हेलो फ्रेंड्स, मेरी जो आज की रेसिपी है केसर वाला कलाकंद। इस रक्षाबंधन आप यह केसर वाला कलाकंद ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना डिलीशियस बना है और देखते ही मन कर रहा है ना एकदम से खाने का। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन में मैंने ले लिया है 1.5 किलो के करीब दूध। इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, तो जब तक दूध गर्म होता है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी में मैंने 4 चम्मच विनेगर लिया है और थोड़ा पानी डालकर यह सॉल्यूशन बना लिया है। एक बाउल के ऊपर मैंने एक छन्नी रख दी है और इसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया है। जब हमारा छेना रेडी होगा तो हम इसके ऊपर झट से छान सकते हैं। तो ये तैयारी आप करके रखिए। अब दूध गर्म हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो सॉल्यूशन हमने रेडी किया था वो डालते जाएंगे। एक साथ पूरा सॉल्यूशन कभी भी मत ऐड कीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन ऐड करेंगे और छेना रेडी करेंगे। ये देखिए अच्छे से हिलाते जाएंगे। दूध फट चुका है, ये देखिए। बस इसे हमें अब हिलाते रहना है और धीरे धीरे ये देखिए कितना अच्छा छेना बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम इसके ऊपर छान लेते हैं जो छन्नी हमने रेडी करके रखी थी। ये इस तरह से पूरा छेना बहुत आसानी से छन जाएगा, पानी अलग और हमारा छेना ऊपर अच्छे से आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर रेडी हो चुका है। यह बहुत ही सॉफ्ट है। कड़छी से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से पानी नीचे निकल जाए। मैं इसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि यह इसकी कुकिंग का प्रोसेस भी रुक जाए और इसके अंदर जो विनेगर की खटास आ गई है वो भी निकल जाए, ताकि हमारी मिठाई है जो बहुत टेस्टी बने उसमें खट्टा टेस्ट ना आए। इस तरह से ये देखिए पूरा छेना मैंने 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लिया है। और अब इस कपड़े को हम छन्नी से अलग कर देते हैं ताकि जो पूरा पानी अच्छे से छेने में से निकल जाए, क्योंकि नीचे का बाउल भर चुका है। ये देखिए अच्छे से हम इसे निचोड़ लेंगे। इस पानी को आप दाल बनाने में, आटा गूंदने में या सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छेना हमारा रेडी है, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। एक पैन में या कढ़ाई ले लीजिए, उसमें डाल लीजिए 250 ml के करीब दूध और थोड़े केसर के धागे। इस दूध को हमें रिड्यूस करना है, 1/4 के करीब इसे हमें तर लेना है। इसे लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। एक तरह से हम रबड़ी बना रहे हैं, जिस तरह से रबड़ी बनाते हैं ना, लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसे रिड्यूस करते जाएंगे। ये देखिए कितना सारा दूध रिड्यूस हो चुका है और कलर भी केसर की वजह से कितना अच्छा आ गया है इसका। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने छेना बनाकर रखा था, उसे मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है और अच्छे से हाथों से क्रम्बल कर लिया है। यह बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनकर रेडी हुआ है। तो इसे अब हमें मिक्स करना है। यह बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, क्योंकि दूध तो ऑलरेडी रिड्यूस हुआ हुआ था, अच्छे से हमारी रबड़ी बनी हुई थी। ये देखिए कितना अच्छे से बन चुका है। तो घर का बने हुए कलाकंद की बात ही कुछ और होती है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के जितनी चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे फुल फ्लेम पर हम लगातार चलाएंगे, क्योंकि चीनी इसमें हमने डाल दी है तो यह नीचे लगे नहीं और चीनी अपना वाटर रिलीज़ कर देगी। 1/2 चम्मच मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। इसे हमें लगातार अच्छे से हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं और चीनी ने जो वाटर रिलीज़ किया है वो जल्दी से सूख जाए। इस तरह से देखिए कलर कितना अच्छा आया है और एकदम हमारा कलाकंद दानेदार बनकर रेडी है। अब हमें इसे तब तक चलाते रहना है जब तक ये कढ़ाई को छोड़ ना दे। ऑलमोस्ट हमारा जो कलाकंद है वो बन चुका है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, बस थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर रह गया है। ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस 1 मिनट के बाद हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे। तो मैंने एक पार्चमेंट पेपर इस तरह से टिन में डालकर रख दिया है ताकि जब हमारी मिठाई हम इसके अंदर डालें तो उसे निकालना बहुत आसान हो। ऊपर से हम बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे।
आप अपने पसंद की मिठाई ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस तरह से पूरा इसको मैंने भर दिया है। अब इसके ऊपर कुछ रोज़ पेटल्स लगा देते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए और उतरे नहीं। तो इसे हम अभी सेट होने के लिए रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। ये देखिए मिठाई हमारी सेट होकर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम बहुत आसानी से इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए टिन को साइड में कर देंगे। एक प्लेट पर मैंने ये निकाल लिया है। इस तरह से ये जम गया है बहुत अच्छे से। और अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो इस रक्षाबंधन आप अपने भाई को अपने हाथों से ये मिठाई बनाकर ज़रूर खिलाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस रक्षाबंधन आपने ये रेसिपी ट्राई की कि नहीं मुझे ज़रूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर टैग कर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच।